हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में रेड सूट पर अगर आपको बहुत ही आसान मेकअप करना होगा तो आप कैसे करेंगे सुपर इजी है और हर कोई कर सकता है इसको तो कभी भी मेकअप करने से पहले हमें सबसे पहले अपने स्किन को प्रिपेयर करना होता है स्किन केयर रूटीन के साथ में तो यहाँ पर मैंने मेरा ओले की नाइट क्रीम लगाई है फॉर बेस आप चाहें तो डे क्रीम भी लगा सकते हैं एंड अगर दिन में ये मेकअप कर रहे हैं तो सनस्क्रीन uh, भी अपने मॉइस्चराइजर के बाद लगाएं देन मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ये जो रियल मेकअप बेस है इसको लगा रही हूँ एज प्राइमर आप देखेंगे तो काफ़ी सुंदर ग्लो ऐड करा इसने मेरे फेस पर मतलब एक डिफरेंट सा ही जो मेरा बेस था ना उसको उठा करके दिखा रहा था ये जो प्राइमर तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है एंड स्पेशली अगर आपकी ड्राई uh, स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन है तब तो आपको एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए ये जो मैंने स्वेज ब्यूटी का यूज़ किया है देन इसके बाद में मैं मेबलिन का ये सुपर स्टे फाउंडेशन जो है ये अपने फेस पर कुछ इस तरीके से मैंने डॉट्स लगा दिए एंड देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ डैप 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 करके और आप कवरेज देखिए बहुत ही अच्छा कवरेज दे रहा है मुझे दोबारा फाउंडेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उतने से ही फाउंडेशन ने बहुत अच्छा कवरेज दे दिया अपने कान को अपने फोरहेड वाले जो एरिया है जो हेयर लाइन है आपके माथे की उसको अपने नेक को बिल्कुल भी ना भूलें तो मैंने जो फ़ाउंडेशन है उसको बिल्कुल अच्छे से लगा लिया हर तरफ अब मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर तो यहाँ पर मैं मोडा का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ उससे मैंने बस अपने ये जो फाउंडेशन था इसको सेट कर लिया मैं मोस्टली कंसीलर नहीं यूज़ करती हूँ और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम मेकअप की बात कर रहे हैं किसी फेस्टिवल फेस्टिव मेकअप की बात कर रहे हैं तो कंसीलर इज़ नॉट नेसेसरी एंडल एंडलस आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स ना हो तो कंसीलर इतना ज़रूरी नहीं है अब इसके बाद में मैं ये आ, कौन से ब्रांड का उम... आईब्रो पेंसिल है हिलेरोडा ये हिलरीरोडा का ये आईब्रो पेंसिल है जिसमें स्पूल है ब्रश भी है तो मैंने पहले आईब्रोज में हल्का हल्का वो लगाया एंड देन इसके बाद में स्पूल है ब्रश से मैंने ब्रश कर लिया अब मैं यहाँ पे मेकअप रिवॉल्यूशन के पैलेट में से मैंने गोल्डन शेड लिया है एक फ्लैट ब्रश में और दूसरा एक ब्रश मैंने इस तरीके से अपनी आँखों के पास में रखा और ये जो गोल्डन शेड था इसको मैंने लगाना शुरू किया ये ब्रश इस तरीके से रखने का रीज़न ये है कि जो आई शेडो मैं लगा रही हूँ गोल्डन कलर का वो फैले ना उधर ना जाए वो लाइन में ही रहे तो इसलिए मैंने इस तरीके से ये जो गोल्डन आई शेडो था इसको लगाया और फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल करें ताकि आ, निकले ना जो, जो हमने लाइन बनाई है फ्लैट ये ब्रश ऐसे रख के उससे एक्स्ट्रा बाहर की तरफ और आ, जो आई शेडो है वो ना निकले तो बेसिकली जैसे आप विंग लाइनर ड्रॉ करते हैं ना उसी डायरेक्शन में आपको इस ब्रश के बैक को रखना है एंड देन आपको ये जो गोल्डन शेड है इसको पूरे लिड एरिया में बिल्कुल हैवी वे में लगाना है बहुत अच्छे से लगाना है आप चाहे तो ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने ग्लिटर यूज़ नहीं किया सो so, जब गोल्डन शेड लग जाए तब उसके बाद में वापस से आपको एक फ्लैट ब्रश में ब्लैक कलर लेना है और बहुत ही प्रिसाइजली जैसे हम आईलाइनर लाइनर ड्रॉ करते हैं ना वैसे आपको ए, इस तरीके से विंग लाइनर बाहर से अंदर की तरफ ड्रॉ करना है ये देखिए और इसको फिर आपको थोड़ा सा ही आई शेडो लेना है, याद रखना बहुत ज़्यादा ब्लैक मत ले लेना थोड़ा सा ही ले करके उसको पहले आपको ऊपर की तरफ लगाना है देन लोअर वाटर लाइन के नीचे भी हल्का हल्का सा स्मच करना है बिल्कुल धीरे 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 आप करेंगे ना तो वो फैलता जाएगा बहुत ज़्यादा आपको ब्लैक शेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा ब्लैक शेड लेंगे तो पूरा आई मेकअप जो है वो बिगड़ जाएगा सेम आ, बाहर से अंदर की तरफ हम दूसरे आई में भी ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहे हैं ये देखिए और पूरा अंदर तक नहीं लाना है उसको सिर्फ हाफ आइज़ में ही रखना है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जैसा बता रही हूँ सो so, इस तरीके से मैंने किया आप इसमें कोई भी दूसरा कलर ले सकते हैं मैंने ब्लैक कलर लिया था एंड देन उसके बाद में मैंने मेरी ब्राउ बोन को एक हाईलाइटिंग शेड से हाईलाइट कर दिया फिर मैंने यहाँ पे मेबलिन का ये जो काजल है इसको अपनी लोअर वाटर लाइन पर लगाया एंड देन लास्टली मैंने मस्कारा मेबलिन uh, का ही मस्कारा बहुत ही अच्छा है मेरा फेवरेट मस्कारा है इससे मैंने मेरे uh, मतलब आई लैशेज़ पर लगा लिया और आप देखिए आई मेकअप कितना ईजी था एंड काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है सिंपल है येट uh, एलिगेंट सा दिख रहा है सो so, ये हो गया मेरा आई मेकअप कम्प्लीट अब बारी आती है ब्लश की तो मैंने ब्लश ऑन लगा लिया अपने दोनों एप्पल ऑफ आप चीक्स पर एंड हल्का सा नोज़ में लगाया बिकॉज मुझे नोज़ में भी ब्लश ऑन लगाना बहुत पसंद है फिर मैं लिप्स पर लगा रही हूँ ये थोड़ा सा मरूनिश काइंड ऑफ शेड है Uh, जो कि मैट शेड है तो मैट एक्चुअली मेरे लिप्स पर अच्छा लगता है लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा था तो आप लोगों ने बोला था कि आप मैट शेड ही लगाया करो दी देन मैंने नेकलेस पहन लिया बहुत ही सिंपल सा ईयर पहन ली एंड दैट्स इट मेरा ये सिंपल सा फेस्टिव मेकअप लुक रेडी है इस मेकअप लुक लोग को आप किसी भी फेस्टिवल में वेयर कर सकते हैं एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं जो नेकलेस मैंने पहना है हर चीज़ की जो बाइंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अमेज़ॉन की लिंक है सो so, इवन नेल पेन की भी लिंक मिल जाएगी सो so, यहाँ पर ये जो मेरा मेकअप ट्यूटोरियल है ये फिनिश हो रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये मेकअप और ईजी लगा कि नहीं लगा और ऐसे और ईजी मेकअप्स आपको चाहिए वैसे मैंने बहुत सारे सोच के रखे हैं एकदम ईजी वाले मेकअप तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आम, लास्ट में फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाना चाहिए तो मैंने ये सिवाना का जो हाइलाइटर है इससे थोड़ा सा हाइलाइटर लेके अपनी नोज में और अपनी आ, चीक बोन पे फोरहेड पे थोड़ा सा लगा लिया और हाइलाइटर वाला लुक भी हो गया अगर आप नाइट टाइम में ये मेकअप लुक करें तो हाइलाइटर लगाना ना भूलें एंड डे टाइम पर अगर आप ये मेकअप लुक करते हैं तो हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है तो चलो अभी ये मेकअप ये जो वीडियो है इसको मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ